काली बिल्ली लाल कबूतर गिली गिली छू जो भी है कहेगा मंदारी मैं तेरा खेल खेपे कर जाऊंगा। दो कदम चलेगा सर के बल गिरेगा नाक से खून बहेगा कहेगा मंदारी ठीक कर दे कसम खुदा की मैं क्या उसे तो मेरा बाप भी ठीक कर पाएगा। बोला बच्चों खेल इसलिए नकली भाई नई बात जुल्फ की सर मरोड़ा सांप का कैसे कुंडल मारकर बैठा दौड़ा सांप का। लेकिन साहब जब ये चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता है इसका काटा पानी नहीं मांगता। लेकिन इंसान का बच्चा सांप के बच्चे से खेलता किस लिए है पापी के पेट के लिए। तो बजाओ बच्चा लोग ताली जमुरे जय उस्ताद। बेटा ये बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अबे चुप आपके मुट्ठी में उस्ताद। हाँ आपके मुट्ठी में उस्ताद वही एक रुपये का सिक्का और वो भी आपकी तरह नकली। क्या उस्ताद का मजाक उड़ाता है उस्ताद? नहीं उस्ताद बेटा डर गया। तो बेटा जमूरे जी उस्ताद अभी अपने आंखें पट्टी बांध बांध ली उस्ताद। अभी ये बता हाँ कि सामने वाले भाई साहब ने हाँ किस रंग की साड़ी पहने रखी है। सामने वाले भाई साहब ने हाँ सामने वाले भाई साहब ने ना रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। अच्छा जैसे किसी शादी में आया हो। तो देखा भाइयों ये मेरा जमूरा कितना समझदार है। अब बेटा जमूरे जी उस्ताद अपनी आंख से पट्टी खोल खोल जी उस्ताद। अब ये बता हम यहाँ क्या करने आए हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं उस्ताद आप ये बात हर बार भूल जाते हो। हम यहाँ जनता जनार्दन सिंह को नाटक दिखाने आए हैं। अच्छा और इनसे अच्छी अच्छी बातें करने आए हैं। ये बात समूरे अब बेटा शुरू हो जा। जी उस्ताद तुझे पता है कल नीम चाचा को कुछ लोगों ने काट दिया। हाँ भाई मैंने देखा कल कुछ लोग नीम चाचा और पीपल बाबा को तेज कुलाड़ी से काट रहे थे। नीम चाचा और पीपल बाबा की चीख चिल्लाने की आवाजें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। अब हमें कौन बचाएगा कौन हमारी रक्षा करेगा। हम भी ऐसे ही काटे जाएंगे क्या हमें भी अब ऐसे काट दिया जाएगा। नीम चाचा पीपल बाबा नीम चाचा पीपल बाबा। हाँ तो दोस्तों हमें कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए बल्कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं फल फूल और अनाज भी देते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। डॉक्टर मर गया और डॉक्टर मर गया डॉक्टर मर गया।
ले ओ जी सा आया तो कांच से कट के कती अरे परले पाने वाला डॉक्टर मर गया जे अरे नहीं डॉक्टर साहब मैं मर गया देख मेरी रिपोर्ट के है इसमें ना भाई तूने बेचार था बहुत कम समय रह रहा है तेरे दौरे रे के बात डॉक्टर साहब इसी के मेरा कैंसर हो रही है अरे कैंसर इतना तो तू मापी रहा तू अरे तेरी ऑक्सीजन भी कम रह रही है ये भी तेरी जो ऑक्सीजन की बत्ती है ना या टू टू करेगी और तू सी दाव पर जाओगा मरता मरता के मैं शिक्षा दे जा डॉक्टर साहब ईसा कोई रास्ता को नहीं के मैं कुकरे बच जा रपिये बहुत है मेरे दौरे जितने कहेगा उतने दे दूंगा अरे रपिये दे चुन ले तू रपिये दे देगा अरे इन आदमियों ने नू तो बता दे जो गलती तन्ने करी पेट काट के तन्ने सारे काम के पेट काट दिए इन आदमियों ने नू बता दे जो तन्ने गलती करी ये ना दो रहा है और पेट जाना बचा है भाई गाम राम सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो गलती मन ने करी पेट काट के वह गलती थम ना दोहराइयो पेट काटने तैयार हवा इतनी जहरीली होगी है मन सांस लेना मुश्किल हो रहा है मेरा दम घुटन लग रहा है अगर ये पेट नुए कटते गए तो कल न थारे के लबियाए बनेगी तारा भी सांस घुटना मुश्किल सांस घुटन लग जाएगा अरे बड़का में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और तड़प तड़प कर मेरी तरिया मर जाओगे तो देखा दोस्तों आपने पेड़ काटने का कितना बड़ी हानि हो रही है हम लोगों को तो दोस्तों वीडियो को ना काटे बल्कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। हाँ दोस्तों मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने 4 साल में 3 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए हैं और यह सरकारी स्कूलों में मुहिम शुरू की गई थी वहाँ के छात्र छात्राओं ने और टीचरों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इससे अधिक पेड़ पौधे लगाए थे लेकिन हरियाणा सरकार चाहती है कि अब यह मुहिम 10% तक पहुँचाई जाए भाई पेड़ पौधे लगाना किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता इसलिए हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे और अपने हरियाणा को ग्रीन हरियाणा बनाना होगा ग्रीन हरियाणा जय हरियाणा बचाओ 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 मत मारो हमें मत काटो हमें हम है जान इंसान की फल भी देते छाया भी हम है जान इंसान की मत मारो हमें मत काटो हमें हम है जान इंसान की रे छोरे रताऊ रे छोरे रताऊ पेड़ लगा लेना रताऊ पेड़ लगा लेना अरे पेड़ नहीं लगाओगे तो तड़प तड़प मर जोगे और ऑक्सीजन ना मिलेगी फिर नुए तुम तड़पोगे रे छोरे रताऊ रे छोरे पेड़ लगा लेना अरे बात हम तुमने गा के समझाओ है पर ये बात थारी समझ में ना आवे रताऊ छोरे रताऊ पेड़ लगा लेना रताऊ पेड़ लगा लेना ये मौत कितनी किस्तों में
न जाने कितने हिस्सों में। एक दिन आपकी भी ऑक्सीजन ऐसे खत्म हो जाएगी और आपका भी यही हाल होने वाला है। अगर हम अपने पर्यावरण के प्रति आज नहीं जागरूक हुए और नहीं जगे तो हमारे अब यही हाल होने वाला है। जब हमारी मौत होगी तो हमें भी कूड़े की तरह से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक इनकी तरह हमें जलाया नहीं जाएगा बल्कि पॉलीथीन में डालकर फेंक दिया जाएगा सड़ने मरने के लिए। लेकिन दोस्तों, पेड़ नहीं तो लकड़ी नहीं, लकड़ी नहीं तो अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम संस्कार नहीं तो मुक्ति नहीं। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, मैं और मेरे साथी और हरियाणा सरकार आपको नाटक के जरिए समझा रही है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। जय हरियाणा, ग्रीन हरियाणा। पेड़ है तो जीवन है, 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 पेड़ है तो जीवन है। जय हरियाणा, ग्रीन हरियाणा।